हमारा पिछला टॉपिक भी इरोशनल लैंडफॉर्म्स था, जिसमें हमने क्लिफ्स, स्टैक्स इन सब के बारे में जाना। अब हमारा अगला इरोशनल लैंडफॉर्म्स ही टॉपिक है, जिसमें हम पेडिमेंट्स और पेडी प्लेन्स के बारे में जानेंगे। लैंडस्केप इवोल्यूशन इन डेजर्ट्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ पेडिमेंट्स। जो लैंडस्केप का इवोल्यूशन है डेजर्ट्स के अंदर, वो मेनली रिलेटेड है फॉर्मेशन और एक्सटेंशन से पेडिमेंट्स के। जनरली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स विदाउट क्लोज टू द माउंटेन्स एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेब्रिस आर कॉल्ड पेडिमेंट्स। जो ढाल वाले रॉकी फ्लोर्स होते हैं बिल्कुल माउंटेन्स के करीब, और उनके फुट पे कोई होता भी है या नहीं होता है, जो मलबा है उसकी लेयर कवर्ड नहीं होती है, उसको हम पेडिमेंट्स कहते हैं। सच रॉकी फ्लोर्स फॉर्म थ्रू द इरोजन ऑफ माउंटेन फ्रंट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग। इस तरह के जो रॉकी फ्लोर्स हैं, ये मेनली बनते हैं आइदर माउंटेन फ्रंट जो है उसके उखड़ने की वजह से, जिसमें लेटरल इरोजन स्ट्रीम्स का या शीट फ्लडिंग का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। इरोजन स्टार्ट्स अलोंग द स्टीप मार्जिंस ऑफ द लैंडमास और स्टीप साइड्स ऑफ द टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड स्टीप इंसिशन फीचर्स ओवर द लैंडमास। ये जो इरोजन है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है स्टीप मार्जिंस पे जो लैंडमास के हैं उनके अलोंग, या फिर जो स्टीप साइड्स होती हैं जो कि टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड स्टीप इंसिशन फीचर्स हैं लैंडमास के ऊपर, उनसे जो है इरोजन शुरू होता है। Once pediments are formed with steep wash slope followed by cliff or free face above it, the steep wash slope and free face retreat backwards. जहाँ एक बार pediments बन गए steep wash slope की वजह से, या इधर cliff या free face उसके ऊपर हो, वहीं जो steep wash slope है या free face जो है वो पीछे की तरफ हो जाते हैं। This method of erosion is termed as parallel retreat of slopes through back wasting. इस तरह का जो method है erosion का, जो कि बिल्कुल पैरेलल हो जो ट्रीट होती है स्लोप्स की बैक वेस्टिंग की वजह से, इसको ही जो है हम इस मेथड को जो भी है इरोजन कहते हैं, और ये पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स कहलाता है। सो थ्रू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स द पेडिमेंट एक्सटेंड्स बैकवर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द माउंटेन फ्रंट एंड ग्रेजुअली द माउंटेन गेट रिड्यूस्ड लीविंग एन इंसलबर्ग विच इज अ रेमनेंट ऑफ द माउंटेन। तो ऐसे में क्या होता है, जो पैरेलली ये जो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं स्लोप्स, इससे जो पेडिमेंट्स हैं वो पीछे की तरफ और बढ़ते हैं माउंटेन फ्रंट के वजह से, और फिर फाइनली क्या होता है, माउंटेन जो है वो कम होते चले जाते हैं और एक इंजलबर्ग जो कि माउंटेन का बचा हुआ अवशेष है वो छोड़ देते हैं। दैट्स हाउ द हायर रिलीफ इन डेजर्ट एरियाज इज रिड्यूस्ड टू लो फीचरलेस प्लेन्स कॉल्ड पेडिप्लेन। इसी के तरीके से जो ऊंचे ऊंचे रिलीफ्स हैं डेजर्ट एरियाज में, वो उनकी हाइट कम हो जाती है, फीचरलेस हो जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं, और उनको फिर हम जो है पेडी प्लेन्स कहते हैं। प्लेयाज, प्लेन्स आर बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट। जो प्लेन्स होते हैं यानी मैदानी क्षेत्र जो है, ये बहुत प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म है डेजर्ट के अंदर। इन बेसिन्स विद माउंटेन्स एंड हिल्स अलोंग द ड्रेनेज इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन एंड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द बेसिन मार्जिन्स are nearly level plain forms at the center of the basin. Basins, जहाँ पर mountains या hills उसके चारों तरफ होते हैं, तो जो drainage है वो center में होता है basin के, और इस वजह से लगातार जो deposition होता है sediments का from basin margins, एक level plain जो है वो बन जाता है बिल्कुल center में basin के। In times of sufficient water, this plain is covered up by shallow water body. और जिस समय बारिश अच्छी होती है या अच्छा पानी आता है, तो ये प्लेन जो है कवर हो जाता है वाटर बॉडी से, जो काफी गहरी नहीं होती। सच टाइप ऑफ शैलो लेक्स आर कॉल्ड एज प्लायास, वेयर वाटर इज रिटेन्ड ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू इवेपोरेशन एंड क्वाइट ऑफन द प्लायास कंटेन गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। तो इस तरह के जो कम गहराई वाले लेक्स बन जाते हैं, जो वेट वाटर बॉडीज बन जाती हैं, उनको हम प्लायास कहते हैं, जहाँ पर पानी जो है बहुत कम समय के लिए होता है, एवेपोरेशन से उड़ जाता है, और यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में नमक मिलता है। द प्लाया प्लेन्स कवर अप बाय सॉल्ट इज कॉल्ड एल्कली फ्लैट्स। और इस तरह के जो प्लाया प्लेन्स होते हैं जो सॉल्ट से ढके हुए होते हैं, उनको हम एल्कली फ्लैट्स कहते हैं। डिफ्लेशन, हॉलोज एंड केव्स, विदर्ड मेटल फ्रॉम ओवर द रॉक्स और बेयर सॉइल गेट ब्लोन आउट बाय परसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ विंड करंट्स इन वन डायरेक्शन। जो भी मलबा होता है, विदर्ड मलबा जो होता है मेंटल, वो रॉक्स के ऊपर से या जो बिल्कुल खाली मिट्टी होती है उसके ऊपर से, वो लगातार हवा के करंट की वजह से, एक ही डायरेक्शन में बहने की वजह से, वो वहां से हट जाता है।
दिस प्रोसेस में क्रिएट शेलो डिप्रेशन कॉल्ड डिफ्लेशन हेलोज, और वहां पर जो है लगातार हटने की वजह से एक गड्ढा सा छोड़ देता है जो काफी गहरा नहीं होता, उसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन ऑल्सो क्रिएट्स न्यूमरस स्मॉल पिट्स और कैविटीज ओवर रॉक सरफेस। इस तरह का डिफ्लेशन जो है बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे या कैविटी जो है रॉक सरफेस पे बना देता है। द रॉक फेसेस सफर इम्पैक्ट एंड एब्रेशन ऑफ विंड बॉर्न सैंड एंड फर्स्ट शेलो डिप्रेशन कॉल्ड ब्लो आउट्स आर क्रिएटेड एंड सम ऑफ द ब्लो आउट्स बिकम डीपर एंड वाइडर टू फिट टू बी कॉल्ड केव्स। अब ये जो रॉक है ये काफी ज्यादा झेलती है, जो विंड का असर है उसको बहुत ज्यादा झेलती है, उससे उखड़ जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उसमें सैंड होती है, तो पहले जो है हल्के गड्ढे बनते हैं जिनको हम ब्लो आउट्स कहते हैं, और कुछ ये जो ब्लो आउट्स हैं ये गहरे हो जाते हैं, काफी चौड़े हो जाते हैं, तब इनको हम केव्स कहते हैं। मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स। मेनी रॉक आउट क्रॉप्स इन द डेजर्ट इजली ससेप्टेबल टू विंड डिफ्लेशन एंड एब्रेशन आर वर्न आउट क्विकली लीविंग रेमिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंट रॉक्स पॉलिश्ड ब्यूटीफुली इन द शेप ऑफ मशरूम विद अ स्लेंडर स्टॉक एंड अ ब्रॉड एंड राउंडेड पियर शेप्ड कैप ओवर। बहुत सारे जो रॉक आउट क्रॉप्स हैं डेजर्ट के अंदर वो विंड की वजह से आसानी से एक तरह से कट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, और वहां पर सिर्फ अवशेष रह जाते हैं जो बची हुई रॉक्स के हैं, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉलिश हो जाती है, बिल्कुल मशरूम का जैसा आकार हो जाता है, जिसकी पतली सी डंडी हो जाती है और ऊपर का जो बेस है वो बिल्कुल पियर शेप राउंड हो जाता है कैप की तरह। समटाइम्स द टॉप सर्फेस इज ब्रॉड लाइक अ टेबल टॉप एंड क्वाइट ऑफन द रेमिनेंट्स स्टैंड आउट लाइक पेडेस्टल्स। कई बार जो टॉप सर्फेस है वो इतना चौड़ा होता है बिल्कुल टेबल टॉप जैसा लगता है, और कई बार यही जो अवशेष है ये पेडेस्टल की तरह खड़े रहते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट। अब विंड एक बहुत अच्छा सॉर्टिंग एजेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ विंड डिफरेंट साइड्स ऑफ ग्रेन्स आर मूव्ड अलोंग द फ्लोर्स बाय रोलिंग और सॉल्टेशन एंड इज कैरीड इन सस्पेंशन एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ द मटेरियल्स गेट सॉर्टेड। विंड एक सॉर्टिंग एजेंट का मतलब अलग अलग कर देता है चीजों को। अब डिपेंड करता है कि गति कैसी है हवा की, अलग अलग साइज के जो ग्रेन्स हैं वो फ्लोर पे मूव करते हैं, रोल करते हैं, और फिर क्या होता है बह जाते हैं, उठ जाते हैं उसके साथ, और कई बार इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल्स अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं। When the wind slows or begin to die down, depending upon the size of the grains and their critical velocities, the grain will begin to settle. अब जो हवा में बह रहे होते हैं, अगर हवा की गति स्लो पड़ जाए या हवा बंद हो जाए, तो डिपेंड करता है कि ग्रेन का साइज कैसा है, उनकी स्पीड कैसी थी, और फिर ग्रेन्स भी जो है वो सेटल होने लगते हैं। So in depositional landforms made by the wind, good sorting of grains can be found. इस तरह के जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं विंड द्वारा, उसमें बहुत अच्छे से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो ग्रेन्स को। सिंस विंड इज देयर एवरीवेयर एंड वेयरएवर देयर इज गुड सोर्स ऑफ सैंड एंड विद कांस्टेंट विंड डायरेक्शंस, डिपोजिशनल फीचर्स इन एरिड रीजंस कैन डेवलप एनीवेयर। जहां भी विंड है, अगर कहने को विंड हर जगह है, और जहां भी अच्छा सोर्स है सैंड का और लगातार विंड डायरेक्शंस में वो बहती रहती है, तो इस तरह के डिपोजिशनल फीचर्स एरिड रीजंस में कहीं भी बन सकते हैं। सैंड ड्यून्स। Dry hot deserts are good places for sand dunes. अब जो बिल्कुल गर्म deserts होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो बहुत सही जगह हैं sand dunes की formation के लिए। Obstacles to initiate dune formation are equally important. इसी तरह से sand जो dune का formation होता है, उसको रोकने के लिए भी obstacles की बहुत ज़रूरत होती है, वो भी काफ़ी important होते हैं। There can be great variety of dune forms. और बहुत अलग अलग तरह की variety के dune forms होते हैं। Barchans. Crescent shaped dunes called barchans with the points or wings directed away from the wind direction, that is downwind from the wind direction is constant and moderate and where the original surface over which the sand is moving is almost uniform. ज़्यादातर आधा चांद के आकार में होते हैं ये dunes, इनको हम barchans कहते हैं, जिनकी points या wings जो हैं वो wind के direction से against होते हैं, यानी कि downside होते हैं from, और ये जो हैं कहाँ बनते हैं, जहाँ विंड डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, मॉडरेट होता है, और जहाँ ओरिजिनल सरफेस जहाँ पर सैंड मूव कर रही है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। पैराबोलिक ड्यून्स फॉर्म्ड व्हेन सैंडी सरफेसेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। पैराबोल की शेप में ड्यून्स जो है वहाँ बनते हैं उन सैंडी सरफेसेस पे जहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेशन होती है। दैट मीन्स पैराबोलिक ड्यून्स आर रिवर्स बार्चन्स इन द विंड डायरेक्शन बीइंग द सेम। इसका मतलब पैराबोलिक ड्यून्स जो है वो बिल्कुल उल्टे होते हैं बार्चन्स के, जहाँ विंड डायरेक्शन बिल्कुल सेम होता है। सेफ इज सिमिलर टू बार्चन
विद अ स्मॉल डिफरेंस। अब सेफ जो है ये बार्चन्स के जैसे ही होते हैं, पर कुछ फर्क होता है। सेफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट। सेफ का सिर्फ एक वन विंग या पॉइंट होता है। दिस हैपेंस वेयर देयर इज शिफ्ट इन विंड कंडीशंस। ये वहां होते हैं जहां विंड की कंडीशंस जो है थोड़ी सी शिफ्ट होती रहती है। द लॉन्ग विंग्स ऑफ सेफ्स कैन ग्रो वेरी लॉन्ग एंड हाई। जो विंग्स हैं सेफ्स के लंबे लंबे, वो काफी लंबे हो सकते हैं, काफी ऊंचे हो सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डूज फॉर्म वेयर सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट। लॉन्गिट्यूडनल डूज वहां बनते हैं जहाँ सैंड की सप्लाई बहुत कम होती है, खराब होती है, और विंड डायरेक्शन कॉन्स्टेंट होता है। दे अपियर एज लॉन्ग रिजेस ऑफ कंसिडरेबल लेंथ बट लो इन हाइट। ये देखने में बहुत लंबे रिजेस की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी हाइट बहुत कम होती है। ट्रांसवर्स ड्यूज आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। इसी तरह से ट्रांसवर्स ड्यूज जो होते हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं विंड डायरेक्शन के। दीज ड्यूज फॉर्म व्हेन द विंड डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट एंड द सोर्स ऑफ सैंड इज एन एलोंगेटेड फीचर एट राइट एंगल्स टू द विंड डायरेक्शन। ये ड्यूज तब बनते हैं जब विंड का डायरेक्शन कॉन्स्टेंट होता है और जो सोर्स है सैंड का वो एक तरह से राइट एंगल पे होता है विंड डायरेक्शन। देयर मे बी वेरी लॉन्ग एंड लो इन हाइट। ये बहुत लंबे भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं हाइट। When sand is plenty, quite often the regular shaped dunes coalesces and lose their individual characters. जब sand बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है? ये जो regular shape के dunes होते हैं, ये ज़्यादातर जो है अपनी individual characteristics को खो देते हैं। Most of the dunes in the desert shift and few of them will get stabilized, especially near human habitation. ज़्यादातर जो deserts में dunes होते हैं, वो shift हो जाते हैं। कुछ जो है human habitations के पास जो है काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आशा एजुकेशन। बाय।